हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समराइज फंक्शन के बारे में सीखेंगे। समराइज फंक्शन भी एक टेबल फंक्शन ही है, यानी कि ये रिटर्न में एक टेबल देगा लेकिन कुछ कॉलम्स के बेस पर समराइज करके। ठीक है, जैसे सीक्वल के अंदर हम बात करते हैं तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट होती है, वैसे यहाँ पर समराइज है। हम एक्सेल के अंदर सम इफ कंडीशन लगाते हैं किसी टेबल को यूनिक करने के बाद, तो वही भी एक तरह से समराइज ही है। ठीक है, तो यहाँ पर डैक्स के अंदर हम समराइज बोलते हैं। ग्रुप बाय फंक्शन भी यहाँ पर है, पर वो इतना उस एफिशिएंट वर्क इस तरीके से वर्क नहीं करता जैसे यहाँ पर समराइज करता है। ठीक है, तो डैक्स के अंदर समराइज फंक्शन को ही हम ग्रुप बाय का क्या बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर नहीं कहेंगे, सेम वर्क मतलब इसमें लिए सेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ओपन करते हैं अपनी स्क्रीन, और ये मेरी स्क्रीन ओपन हो गई है। ओके, मैं इस मॉडल को डैक्स स्टूडियो में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो समराइज का हम स्टेटमेंट लिखते हैं। समराइज सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है, समराइज के अंदर इससे पहले आर्गुमेंट में ये एक टेबल चाहिए होती है, यानी कि इसको एक टेबल चाहिए जिसके बेस पर ये समराइज करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास सिर्फ एक टेबल ही है और उस टेबल में कलर एंड कस्टमर है, ईयर है, मंथ है, उन सबके बेस पर हम किसी वैल्यू को यानी क्वान्टिटी को, सेल्स को समराइज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती है, तो यानी कि हमें एक बेस टेबल चाहिए और उस बेस टेबल से कनेक्टेड, ध्यान से सुनने का, कनेक्टेड जितनी भी मैनी टू वन रिलेशनशिप है। ठीक है, मैनी टू वन यानी सेल्स है तो सेल्स से मैनी और कोई भी टेबल कनेक्टेड हो वन की तरफ, तो उसका कोई भी कॉलम हम ले सकते हैं। जैसे सेल्स कनेक्टेड है तो हम प्रोडक्ट टेबल का कोई भी कॉलम कलर ब्रांड ले सकते हैं, हम डेट टेबल का कोई भी कॉलम ईयर मंथ लाइफ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं सेल्स पर। सेल्स हमारी बेस टेबल है और यहां पर मैं लेता हूं एग्जांपल के लिए डेट टेबल का ईयर कॉलम। ठीक है, अब हम सिर्फ एक कॉलम की बात करें तो ये सिर्फ एक कॉलम को ही समराइज कर देगा, यूनिक वैल्यूज उस क्या जाएंगी, और ये यूनिक वैल्यूज डेट टेबल की नहीं आई हैं, ये यूनिक वैल्यूज सेल्स टेबल की आई हैं कि बेस हमारी सेल्स है। डेट टेबल के अंदर हमारे 2010 ईयर भी है यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया है क्योंकि सेल्स टेबल टेबल 7, 8 और 9 में है। अब हम बात करते हैं दो कॉलम समराइज करने की। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया ईयर और सेकंड भी हम डेट टेबल से लेते हैं क्योंकि है हमारा मंथ, मंथ में। ठीक है, जब हम एंटर करते हैं तो देखेंगे कि ये अब ईयर और मंथ के वो रिकॉर्ड्स आ गए हैं जो रिकॉर्ड्स थे ईयर 7 में सिर्फ ही आया है 9। ठीक है, मतलब दो कॉलम के हिसाब से अब ये समराइज हो गया है। हम चाहे तो किसी और टेबल से भी ले सकते हैं, बस शर्त हमारी याद वही है मेन कॉमन कि जो कि सेल से मैनी टू वन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट कलर लेते हैं। ठीक है, अब ये कलर और ईयर के बेस पर कॉम्बिनेशन दे देते हैं। लेकिन हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर दो बात है, पहली कि बेस टेबल से मैनी टू वन चलेगा और दूसरी केवल वही रिकॉर्ड आएंगे जो सेल्स टेबल में अवेलेबल है। ओके, तो अब बात करते हैं इस तरह से हम इसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए यहां पर हमें सेल्स टेबल लगानी हो, सेल्स टेबल। ओके, तो यहां पर हम एक एक मेजर भी यूज कर सकते हैं सेल्स अमाउंट का, मान लीजिए हम यहां पर सीधा ही पर कोई अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, उस न्यू कॉलम का नेम हमें देना पड़ेगा। ऐसे के लिए यहाँ पर हम देते हैं क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी लिख दिया। अब इसके बाद हमने सेल्स या फिर सिंपल सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी, ठीक है, तो ये हमारा सेल्स अमाउंट यहाँ पर, सेल्स क्वांटिटी यहाँ पर आ गई है। अब आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पर कैलकुलेट फंक्शन यूज नहीं किया है और कोई मेजर भी यूज नहीं किया, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समराइज के अंदर जो हम कॉलम ऐड करते हैं वहां पर होता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो जो भी हम कॉलम ऐड करते हैं उस कॉलम में फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, ये ध्यान इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम चाहें कोई रॉ कॉन्टेक्स्ट लगाना, ठीक है, सिंपल पहचान नहीं तरीके क्या है, अगर हम सम काउंट
एवरेज एवरेज एक्स लाइक इस तरह के एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो वहां पर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज वो हर रॉ के लिए सेम अमाउंट लेकर के आएगा, राइट। अब हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, जस्ट मिनट मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ वो जो कि है शॉर्ट ईयर, पर इसका जो फंक्शन है वो सिंपल ये मैं ये बना रहा हूँ कि जो ईयर है मेरा उस ईयर में से 2000 माइनस हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है अभी ये हमारी रॉ कॉन्टेक्स्ट की कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रॉ बाय रॉ चलेगा ना, किसी ईयर में सम करने पर तो 2000 नहीं माइनस किया जाएगा, हर रॉ बाय रॉ मुझे 2000 माइनस करवाना है। फॉर एग्जाम्पल 2007 है तो 7 में से 2000 माइनस करके 7 वैल्यू फिगर आ जाएगी, इस तरीके से मैं इसे माइनस करा रहा हूँ। तो अब देखो मैं हिट एंटर करता हूँ तो ये माइनस भी हो गया, यानी कि अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जो हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं समराइज के अंदर वहां पर रॉ कॉन्टेक्स्ट है, मींस वह कैलकुलेशन रॉ बाय रॉ चलनी है इस सेल्स टेबल के अगेंस्ट, या वहां पर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है कि वो जस्ट सम कर देगा जैसे कि हमने सम किया। तो इस एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने दोनों कॉन्टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, रीजन मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में दोनों ही कॉन्टेक्स्ट होते हैं, शर्त ये है कि जो भी हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं यानी कि हमने कोई भी कॉलम यूज किया हो जो ग्रुप बाय में है, यानी कि ग्रुप बाय का कोई भी कॉलम यूज किया है ग्रुप बाय का, तो वहां पर हम रॉ कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी करेंगे तो वो भी यूज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमने जो कॉलम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे वहां पर हमेशा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रॉ कॉन्टेक्स्ट हो गया, और अगर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं अगर मैक्स लगाते हैं तो क्या होता है कि मैक्स वर्क करेगा और रॉ कॉन्टेक्स्ट। देखिए हर लाइन के लिए उसी ईयर का उस करंट वैल्यूज का मैक्सिमम आ गया, यानी यहाँ पर रॉ कॉन्टेक्स्ट भी है और फिर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेबल हो रहा है इसलिए यहाँ पर वही सेम ईयर आया है जो इसका है। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूरी वीडियो दोबारा से देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समराइज कॉलम्स की। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, गुड बाय।